तो ये मेरे हाथ में एक काफी पॉपुलर फोन। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो जैसे हमारे इंडिया में एक अपनी जगह फेमस है भाई आईफोन्स, और दूसरा हमारे पास एंड्रॉइड में अगर बात करें तो सैमसंग के फोन आते हैं, और गूगल का भी इस बार फ्लैगशिप हमें देखने को मिला। ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। अदरवाइज वीवो की तरफ से फ्लैगशिप आता है यहाँ पर, शाओमी की तरफ से फ्लैगशिप आता है, मोटोरोला की तरफ से फ्लैगशिप आता है, मतलब काफी ब्रांड्स अपना अपना ट्राई करते हैं। बट 2019 में एक सीरीज लॉन्च हुई थी सैमसंग की, जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज, और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो गैलेक्सी S10। वैसे इसमें तीन फोन आए थे भाई उस टाइम, S10e, S10 और S10 Plus। S10 Plus में डुअल पंच होल था साइड में, वहीं से क्रेज शुरू हुआ था, मल्टीपल ब्रांड दे रहे थे। और जो S10e था वो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता था, बेसिकली लो वेरिएंट था। लेकिन इनके बीच में आया था गैलेक्सी S10, जो कि आपके सामने है। इसके अंदर भाई कर्व डिस्प्ले भी है और पूरा प्रीमियम फोन है। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है भाई S10 सीरीज में जो ये सैमसंग के वॉलपेपर वगैरह आते थे ना, ये मेरे पसंदीदा में से रहे हैं। अभी तो उतने अच्छे नहीं आते, टू बी ऑनेस्ट, सैमसंग को बेटर वॉलपेपर पे काम करने की जरूरत है। और ये रहा फोन, आज भी भाई ये फोन मतलब बहुत ज्यादा प्रीमियम है ये फोन। इनफैक्ट यहाँ पे मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, अगर किसी के पास है वो बता सकता है। इसका जो इन हैंड फील है ना, जो ये S22 Ultra वगैरह आते हैं अपनी जगह, वो फ्लैगशिप है, महंगे हैं, जो भी है उनसे बेटर है, काफी कंफर्टेबल है। हाँ, डिस्प्ले साइज डेफिनेटली आपकी पसंद के ऊपर हो सकता है। ये हैंडी फोन की लिस्ट में आता है, 6.1 इंच की, ये QHD डिस्प्ले है भाई, और सैमसंग इसे डायनेमिक एमोलेड बोलता है बिकॉज ऑफ HDR10+ वगैरह को सपोर्ट करता है, होता ही एमोलेड डिस्प्ले ही है। और तीन ऐसी चीजें जो आजकल मैं उनके लिए भाई RIP ही बोलना चाहूंगा। पहला, इसके अंदर मिलता है 3.5mm जैक फ्लैगशिप फोन में। आज ब्रांड्स कहते हैं भाई हमें डिजाइन सुधारना है, स्लिम करना, इसलिए हटा रहे हैं। ये देखो कितना स्लिम फोन है, फिर भी दिया हुआ है। जैसे ये अभी S22 Ultra है ना बगल में भाई, उससे तो देखने में स्लिम है, बट डेफिनेटली अभी S22 Ultra में बैटरी वगैरह ज्यादा है, सो उसकी वजह से भी थिक हो गया। और दूसरी चीज, इसके अंदर भाई मिलता है हमें एक हाइब्रिड सिम स्लोट, मतलब मेमोरी कार्ड लगा सकते थे आप। और तीसरा, इधर पावर बटन है ना, इसके इस तरफ भी ऐसा से दिख रहा ना पावर बटन, बट ये एक्चुअली बिक्सबी बटन है। हालांकि बिक्सबी बटन को मैं इतना मिस नहीं करता, वैसे तो मुझे मैट फिनिश पसंद आता है, बट ये वाला जो ब्लू कलर दे रखा है ना इन्होंने, शाइनी ब्लू, ये ज्यादा ब्लू नहीं है, हल्का सा जो इसका एक डिजाइन बाहर निकल के आता है ना, ये मैट फिनिश से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बट स्टिल मैं मैट फिनिश पसंद करता हूं, क्योंकि फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते। और ये हैंडी फोन है, जैसे Asus का 8G है, और साथ में हमारे पास है Google Pixel 6 हैंडी फोन की लिस्ट में आता है, और लेटेस्ट में Samsung Galaxy S22। हालांकि जो थोड़े स्मॉल साइज फोन होते हैं ना, इनको बहुत लोग पसंद करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ जो मार्केट है ना, बड़ी मार्केट जहां से ब्रांड मैक्सिमम पैसा कमाते हैं, वो थोड़े बड़े फोन पसंद करते हैं। इसीलिए आईफोन ने अपना मिनी सीरीज खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी भाई अभी तो पता है आपको, इंडिया में S22 सीरीज के साथ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन पहले एक्सिनोस मिलता था। बट मेरे पास, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये इंडिया वाला नहीं है, ये बाहर का है, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 मिलता है। अगर इसका अंतुतु स्कोर दिखाऊं, 5 लाख के आसपास आता है। और अगर आप जानना चाहते हैं भाई किस प्रोसेसर के आसपास है, 4 साल पुराना फोन ये, अभी भी स्नैपड्रैगन 778 जो आज 25,000 के रेट के फोन में मिलता है लगभग, उससे बेटर स्कोर आ रहा है। तो 4 साल पुराना फ्लैगशिप प्रोसेसर को आज का मिड रेंज फोन बीट नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि जो प्रोसेसर कंपनी है उनको भी पैसा कमाना है, और कुछ कुछ चीजें ट्वीक करते रहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे 5G आ गया या कुछ रिक्वायरमेंट हो गई, तो लेटेस्ट प्रोसेसर आते हैं और ये हाइप बिल्ड करने में मदद करता है। जैसे अभी स्नैपड्रैगन 855 के साथ कोई फोन लॉन्च हो जाएगा, आप कहोगे इतना पुराना प्रोसेसर, 778 को 780 बना के लॉन्च कर देंगे, आप कहोगे वाओ नया प्रोसेसर। अच्छा, मुझे एक और चीज याद आया, फोन चाहे महंगा हो, चाहे फोन बजट का हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप YouTube ओपन करते हैं ना, यहाँ पर आप ज्ञान थेरेपी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आज भी स्मूथ तरीके से, जैसे मैंने स्मूथनेस के साथ आपसे रिक्वेस्ट की। अपडेट के हाल की बात करें ना, एंड्रॉइड 12 मिलता है One UI 4 के साथ, फोन अभी भी स्मूथ है, डेफिनेटली स्मूदेस्ट तो नहीं है, और 120Hz डिस्प्ले नहीं है, तब ये 60Hz डिस्प्ले ही आता था। सो आप किसी भी फ्लैगशिप के 120Hz से कंपेयर करोगे तो थोड़ा चौपी लगेगा, लेकिन जो 120Hz फोन यूज करते हैं उनके लिए, जिन्होंने सिर्फ 60Hz का फोन यूज किया है, आज भी स्मूथ चल रहा है। बाकी हाँ भाई, पुराना फोन है, छोटा मोटा जैसे ये ग्लिच मिल गया था, ऐसा नहीं है कि एकदम ग्लिच वगैरह, ग्लिच फ्री है एक्सपीरियंस। एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग ये लगी, नेटफ्लिक्स में प्लेबैक सर्टिफिकेशन में HDR10 का सपोर्ट अभी तक है। अब आपके मन में आएगा तो इसमें बड़ी बात क्या, बहुत सारे फोन में होता है ये, बहुत सारे फोन में होता है, बहुत सारे फोन में बाद में हटा दिया जाता है 2-3 साल बाद, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक आपके जो एक्सपीरियंस है, जो लोग लॉन्ग टाइम यूज करते हैं, ये उसका पार्ट होता है। बाकी अपने टाइम का फ्लैगशिप है, तो जाहिर सी बात है वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, IP रेटिंग, ये सब कुछ लेकर आता है। और कैमरे की बात करें तो पहले तो पता ही आपको, इतने हायर मेगापिक्सल वाली रेस नहीं होती थी, 12 मेगापिक्सल मेन, 12 का टेलीफोटो लेंस है 2x, 16 अल्ट्रा वाइड,
और 10 मेगापिक्सल सेल्फी, सबसे पॉपुलर कैमरा सेटअप था ये। तो चाहे सेल्फी की फोटोज क्लिक करके देख लो या फिर जैसे मेन कैमरा या अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो लेंस, कुछ फोटोज मैंने क्लिक करके देखी, फोटोज आज भी अच्छी आती है। लेकिन कितनी अच्छी, मन में ये आ रहा होगा आपके, 4 साल पुराना हो चुका है भाई, ये भी तो सोचना है। तो मैंने क्या किया, सेम ब्रांड का देखना चाहता था, तो A52s वर्सेस लेटेस्ट S22 अल्ट्रा वर्सेस गैलेक्सी S10 उठाया, इनसे कुछ फोटोज क्लिक करके देखे मैंने मल्टीपल, तो मैंने देखा फोटोज काफी क्लोज है, डायनेमिक रेंज वगैरह आज भी बैलेंस है, और लो लाइट में A52s से बेटर रिजल्ट देता है भाई S10, और S22 अल्ट्रा बेटर फोटोज देता है। लेकिन एक चीज नोटिस किया भी लेटेस्ट फोन में, भाई उनके सेंसर ज्यादा अच्छा लाइट कैप्चर करते हैं। और दूसरा पोर्ट्रेट मोड देखना चाहता था, तो मैंने टेलीफोटो लेंस यूज नहीं किया क्योंकि A52s में नहीं है ना टेलीफोटो, मेन कैमरे से मैंने पोर्ट्रेट मोड क्लिक किया। तो S10 की जो फोटोज है ना, अब वाले जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं इनका स्किन टोन इम्प्रूव्ड हो चुका है, लेकिन S10 प्लस के साथ क्या है, फोटो में थोड़ा व्हाइट टोन ज्यादा है और फोटो थोड़ी सॉफ्ट आती है, जो चीज ह्यूमन स्किन टोन में क्लियरली दिखता है, तो ये चीजें इम्प्रूव हुई हैं। बट अगर आप में से कोई आज भी इस सीरीज का फोन यूज कर रहा है, मतलब आप कह सकते हो आप 25-30 हज़ार रुपए के फोन से बेटर कैमरा यूज कर रहे हो। और एक और चीज मैंने कैमरे में नोटिस किया आज भी, जैसे अपने टाइम का ये महंगा फोन था ना, तो उसमें क्या आज भी देख रहा हूँ 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्रो मोड के साथ प्रो वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है और पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो कुछ ऑप्शंस आज भी सैमसंग के ए सीरीज, चाहे आप 40,000 तक ले लो A73, उससे ज्यादा ही मिलता है, क्योंकि अपने टाइम का फ्लैगशिप रह चुका है। तो इससे हमें एक चीज पता लगता है, चीजें इंप्रूव तो होती हैं टाइम के साथ, लेकिन एक फ्लैगशिप फोन जब भी आप खरीदो, अगर पैसा वसूलना चाहते हो 3 साल अगर आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, फोन नहीं बदलते, और जब 3-4 साल बाद फोन अपग्रेड करते हो, तो आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। हर साल फ्लैगशिप लेने का कोई सेंस नहीं होता, चाहे आईफोन 12 प्रो से 13 प्रो से 14 प्रो ले लो, वो डायनेमिक आइलैंड मिल जाएगा बस। सिमिलरली S22 अल्ट्रा आया, अभी S23 अल्ट्रा आने वाला है, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा क्या? उतना बड़ा नहीं होगा, जो लोग 4 साल बाद जम करके खरीदेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। और आज इस फोन को एक्सपीरियंस करके काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे आज भी याद है 2018 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, 2019 में ये फोन जब लॉन्च हुआ था सीरीज, मैं पहले भी बहुत सारे फोन खरीदता रहता था, लेकिन जब यूट्यूब पे आया, मेरा फोकस चैनल पे था, तो मैं मिड रेंज के फोन ज्यादा खरीदता था, ब्रांड्स थ्रू में रिव्यू यूनिट नहीं भेजते, तो मैं तरस गया था इस फोन को एक्सपीरियंस करने के लिए। और कैसी लगी आपको वीडियो, किसके पास ये फोन है कमेंट करके बताना, इस सीरीज का कोई भी फोन। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।